दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। पिछले कुछ दिनों से एक फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। 90 के दशक में कश्मीर में विस्तार जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ क्या कुछ हुआ उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई है। काफी रिसर्च के बाद ये फिल्म सामने आई है, और लेकिन जहां भी ये आई है वहां पर ये हंगामा बरपा रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी ज्यादा जा रहा है, लेकिन इस फिल्म की वजह से कुछ विवाद भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो है कश्मीरी लीडरान, जिन्होंने 70 साल तक जम्मू कश्मीर की सत्ता पर अपना राज किया, लेकिन उनका ये राज का जो एक आधार था जिसे हम बेस कहेंगे वो कितना कमजोर था कि वो आज एक फिल्म की वजह से उन्हें डगमगाता नजर आ रहा है। इन सब को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं बीजेपी लीडर बाबा चंचल सिंह जी। हम उनके साथ इस फिल्म को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। बाबा जी आपका नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। चंचल सिंह जी, जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं उसमें आपकी क्या राय है? सर, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी ये मूवी बनाई गई है, जो पिक्चर बनाई गई है कश्मीर पर, कश्मीर जो कश्मीरी पंडितों को वहां से मार कटाई करके उनको निकाला गया, ये एक बहुत बड़ा जुल्म था जो पिछली सरकारों ने उसको दबाकर रखा हुआ था। मैं जो पिक्चर बनाने वाले जो लोग हैं, मैं पूरी टीम को उन्हें नमन करता हूं और बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं, जो कि जो कश्मीर का जुल्म है वो पूरी दुनिया के सामने उन लोगों ने लाया है। मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, हमारे जम्मू कश्मीर में जो भी इसका मतलब टिकट का जो खर्चा है वो जो गरीब लोग नहीं देख सकते, तो एक दिन कोई ऐसा होना चाहिए जो आम गरीब लोग भी उस पिक्चर को फ्री देख सके। मैं तो चाहता हूं इसको टोटली फ्री करना चाहिए, क्योंकि इस जुल्म का आम आदमी को पता चले भाई पिछले सरकारों ने कश्मीर में क्या धांधली मचा के रखी हुई थी और क्या क्या जुल्म किया है। पूरे वर्ल्ड में ये एक पहला कश्मीर था जिन्होंने 5 लाख और 4 लाख के बीच बीच लोगों पर जुल्म किया है और लोगों की मार कटाई की है, और वहां बच्चियों औरतों पर पीठ पर हाथ डाला गया है, कई लोगों को मार खवाया गया है, कई औरतों कई बच्चियां जो हैं अभी आज तक वो गवर्नमेंट को भी नहीं पता चला है वो कहां है और कहां उनको छोड़ा हुआ है, बॉर्डर क्रॉस करवाया है या मार दिया है, क्या क्या किया उन लोगों के साथ। ये बहुत बड़ा एक जुल्म किया था, ये पाकिस्तान के कुछ मुट्ठी भर जो जेंट बैठे हुए थे वहां, इन लोगों ने एक जुल्म किया है। जो भी मुट्ठी भर कोई राजनीति करने वाले लोग हैं इन लोगों का हाथ है। मैं कहना चाहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए, ये पिक्चर के साथ लोगों को जुल्म का तो पता चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे जो मैं अपील करता हूं, जो भी कश्मीर में धांधली मची है पिछले 70 वर्ष की, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जो कि जो कसूरवार लोग हैं ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। जिस तरीके से हम देखें पिछले काफी सालों से बार बार यही ऐलान किया जाता है कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है और उनकी घर वापसी होगी, अब तक करोड़ों रुपए भी इस मद में खर्च किए जा चुके हैं, वहां ट्रांजिट कैंप बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी घर वापसी अभी भी काफी मुश्किल नजर आ रही है, और इस फिल्म के बाद ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वहां हिंदू और मुस्लिम जो रह रहे हैं उनके लिए भी फिल्म एक परेशानी का सबब बन सकती है। परेशानी का नहीं बन सकती है, जो लोगों के सामने जो जुल्म लोगों की नजर में आना बहुत जरूरी है। आप जो देखिए पिछली सरकारों ने या पिछली लीडरों ने या पाकिस्तान के जो मुट्ठी भर वहां जेट बैठे हुए हैं, पत्थरबाजों को तैयार किया गया, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर मारे गए, उनको जख्मी किया गया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया गया और कश्मीर में कई लोगों की हत्या की गई, 5 लाख कश्मीरियों को वार निकाला गया, उनके घर से बेदखल किया गया, पिछली सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा जी को, अपने कश्मीरी लीडरों को, आप मुझे ये बताओ आप लोग कहां थे जब 5 लाख कश्मीरियों को
मार कटाई करके बेइज्जत करके उनको कश्मीर से बाहर निकाला गया। 5 लाख ये कोई छोटी दुनिया नहीं है। उससे पहले ये लोग कई लोगों को मार खपाया गया कश्मीर में, जो भी पिछली सरकारों ने उस चीज को सामने नहीं लाया। आज अगर एक पिक्चर बनाने वाली टीम दुनिया के सामने वो सच लाते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हमारे जम्मू कश्मीर में ये टिकटों का जो रेट है वो कम होना चाहिए और कोई दिन ऐसे होने चाहिए, हफ्ते का एक दिन ऐसा रखें जो आम गरीब लोग वो पिक्चर देख सके। कण कण में, जन जन में ये बात जानी चाहिए भाई कश्मीरियों पंतों पर जुल्म क्यों किया गया। भाई मैं पूछना चाहता हूं कश्मीरी लीडरों को, आप मुझे ये बताओ ये कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बीच ये कश्मीर था, इसमें इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा पाप किया गया कि ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए। मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी टीमें तैयार करें जो सरकारी टीमें इसकी जांच करें, कहां कहां जुल्म हुआ, कहां कहां लोगों को मार खपाया गया, कहां कहां ये इनकी टीम तैयार होती है, पाकिस्तान के कितने जहां जेंट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का साथ देने वाले कौन से लोग हैं, भारत के दो टुकड़े करने वाले कौन से लोग हैं, रोंगियों को बसाने वाले कौन से लोग हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, नहीं कि भारत के दो टुकड़े होने में कोई फर्क नहीं रहेगा। जो लोग भारत के दो टुकड़े कर सकते हैं, भारत में फिर खून खराबा हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं हिंदू हो या सिख हो या शाही हो, कोई भी इस दुनिया में हो या मुसलमान हो, एक जैसा सलूक होना चाहिए सबके साथ, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, सब लोगों ने मिलकर अपने भारत को बचाने का काम करना चाहिए। तो मैं यही गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं भाई, पिक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। अगर पिक्चर बनाने वाले ने पूरे भारत के सामने, पूरे वर्ल्ड की दुनिया के सामने ये चीज लाई है तो मैं नमन करता हूं उस पूरी टीम को। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं इस पिक्चर के साथ साथ जांच होनी चाहिए, ये कौन लोग हैं जो हमले करने वाले लोग थे, बच्चियों की ईंट पर हाथ डालने वाले कौन लोग थे, इनको मार खपाया गया ये कौन लोग थे, पाकिस्तान का लाल चौक में झंडा खड़ा करते थे ये कौन लोग थे, पत्थरबाजों को किस किन लोगों ने तैयार किया ये कौन लोग थे, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों में फांसी देनी चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के जो जख्म है उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे महबूबा को, आप ये बताओ जब कश्मीर में आप लोगों ने पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया तो आप कहां थे, पत्थरबाजों को किसने तैयार किया? अगर आप लोगों ने तैयार किया तो बीजेपी ने खत्म किया। आप लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लाल चौक में खड़ा किया और बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान का झंडा हटाकर हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। हमारे लाखों नौजवान बलिदान दे चुके हैं, हमारी आम जनता, लाखों जनता के बलिदान लगे हुए हैं। 5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला गया तो मैडम महबूबा कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं मैडम महबूबा कहां थी भाई? ये खाते हैं हिंदुस्तान, गुण गाते हैं पाकिस्तान के, और जो अच्छे लोग हैं ये लोग उनके माथे पर भी कलंक लगाने वाले ये लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तान के गुण गाने चाहिए, हिंदुस्तान का साथ देना चाहिए। अगर कोई प्राप्त को खत्म करने वाली कोई पार्टी है तो वो एक ही पार्टी है, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी का साथ देना चाहिए, हर धर्म के लोगों ने मिलकर बीजेपी पार्टी का साथ देना चाहिए। अगर वो एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं तो बीजेपी पार्टी का साथ देना चाहिए। अभी तो 7 वर्ष हुए हैं, अगर भगवान ने चाहा हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो एक भी पाकिस्तान का जेंट, पाकिस्तान का जुलूस, चाहे कोई भी देशद्रोही, वो भारत में नजर नहीं आएगा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ये कह रही है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति है, जब पिछले नवंबर के दौरान टारगेट किलिंग हुई थी, इस महीने भी अभी तक एक पंच और 2 सरपंचों को आतंकवादियों ने मार गिराया,
तो आप इसको किस तरीके से कह सकते हैं कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है? भाई आप मुझे ये बताओ, पहली सरकारों ने उग्रवादियों को पकड़कर जेल में बंद किया जाता था और 4 साल के बाद उनको छोड़ा जाता था। आज बीजेपी सरकार ने फैसले, कट्टर फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा जो भी उग्रवादी नजर आता है उसको गोली मारो, जम लोग भेजो, फिर धरती पर वो जन्म न ले। बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, हमारे गवर्नर साहब ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और कट्टर फैसले लिए हैं। बीजेपी सरकार उग्रवादियों को खत्म करने के पीछे पड़ी है, उग्रवादियों को खत्म करके छोड़ेगी। अगर 70 साल के जेल लोग टकाने बना के बैठे हुए हैं तो आस्ता आस्ता ही जेल लोग खत्म हो पाएंगे। उसके बाद पत्थरबाजों को खत्म किया गया, आपके सामने की बात है, जो बीजेपी सरकार ने ही पत्थरबाजों को खत्म किया गया। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो बॉर्डरों को मजबूत कर रही है, बैंकर बना रही है, अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को पावरफुल बना रही है और अपने बेल्ट फोर्स के इंडिया आर्मी के जवानों का साथ दे रही है। पहले ऑर्डर हमारे इंडिया आर्मी के जवानों को, बेल्ट फोर्स के जवानों को दिल्ली से लेना पड़ता था, आज वो ऑर्डर जो है हमारी बीजेपी सरकार ने हमारे जवानों की जेब में डाला हुआ है। पाकिस्तान एक गोली चलाता है, आप 100 गोली चला सकते हो। पाकिस्तान एक गोला फेंकता है, आप 100 गोला फेंक सकते हो। तो हमें बीजेपी सरकार का साथ देना चाहिए। मैं जनता के आगे यही अपील करता हूं, अपने देश को बचाओ, देश को बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो पाकिस्तान के कुछ दुश्मन देश के लोग लगे हुए हैं वो हमारे भारत के 2 टुकड़े करने के लिए लगे हुए हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए नशे की मूव चलाई हुई है, उधर से उग्रवादियों की मूव चलाई हुई है, उधर से मिलिटेंटों को तैयार किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी पार्टी का साथ दो, अपने देश को बचाओ। ये थे चंचल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक फिल्म जो है वो सच्चाई बयां कर रही है और उस फिल्म का इस्तेमाल हर आदमी अपने तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है, उसका फायदा उठाया जा रहा है और कुछ लोग उसके फेवर में हैं तो कुछ उसके विरोध में हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. GK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।